नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि देव की वक्र अवस्था 30 जून से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक सिंह राशि में इसका क्या प्रभाव रहेगा। ज्योतिष शास्त्र का नियम है शुभ वक्रा महाशुभा। जब कोई ग्रह आपके पक्ष में है गोचर में और वह वक्री हो जाए तो बहुत ज़्यादा शुभ हो जाता है, और जब कोई ग्रह आपके पक्ष में नहीं है अशुभ है तो बहुत ज़्यादा अशुभ हो जाता है। आज की चर्चा सिंह राशि वाले जातकों के लिए, लेकिन इससे पहले मैं विषय को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष दिखाने के लिए, राशि रत्न खरीदने के लिए आप सीधे सीधे मुझे फ़ोन कॉल या व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि से वर्तमान सातवें घर में शनि गोचर कर रहे हैं। सातवां घर पत्नी का और व्यापार का मुख्य रूप से होता है। पेट के निचले हिस्से में जो बीमारियां होती है, गदूद वगैरह या पथरी, इस तरह की जो समस्याएँ होती है, वह भी सातवें भाव उसको रिप्रेजेंट करता है। तो पहली बात तो सातवें शनि बहुत बढ़िया नहीं होते, दूसरा आपके लिए मारक हैं, तीसरा इस समय वक्री हैं, तो आपको जो आपके प्रेम संबंध है पत्नी से या प्रेमिका से, जो भी आपका व्यवहार है, यहाँ पर आपको आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज़्यादा बदलाव अपने जीवन साथी में देखने को मिल सकता है। आश्चर्य ना करें, परिस्थिति को भांपकर उसको संभालना है आपको। दूसरा, शनि की जो दृष्टि है यहाँ से सीधे सीधे आपके लगन पर रहेगी, आपके शरीर पर रहेगी। जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दुखन और भारीपन, न्यूरो प्रॉब्लम का क्रिएट हो जाना, और अगर पैरालिसिस वगैरह कुछ पहले से ही आपको इस तरह की समस्या है तो बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। 15 नवंबर तक इस बात को याद रखें। जरूरी दवाएं, जरूरी मंत्र जाप, जरूरी उपाय अपनी मान्यता और अपनी श्रद्धा के अनुसार करें। यहाँ से शनि की दसवीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर है। भूमि, भवन, वाहन तीनों मामलों में भारी सावधानी बरतें। बिना एग्रीमेंट के कोई काम ना करें, आपके साथ बहुत बड़े स्तर पर बेईमानी हो सकता है। और शनि की तृतीय दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है, नवम स्थान पर है। आप उच्च पद की प्राप्ति या उच्च शिक्षा की प्राप्ति में आप लगे हुए हैं, अचानक से बाधाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। अब इस तरह का कुछ गोचर रहेगा 30 जून से 15 नवंबर तक। अब उपाय इसके क्या हैं वह बता देता हूँ। यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं शनि आपके पक्ष में नहीं रहेंगे। शनि की जो वक्रत्व अवस्था है, शनि देव का जो 6 महीने से ऊपर का जो ये वक्री यहाँ पर रहेंगे, सिंह राशि वाले जातकों के पक्ष में तो यह नहीं है। लेकिन अगर कोई ग्रह स्थिति या कोई हमारे पक्ष में नहीं है चीज़ें, तो हार मानकर बैठने से कुछ नहीं होगा। शनिदेव के उपाय करें। भगवान काल भैरव का विधिवत अनुष्ठान, हवन, तर्पण, मार्जन आदि करने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रहों की शांति होती है। शनिवार के दिन या तो प्रातःकाल सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय कुत्तों को भोजन कराएं, और अमावस्या के दिन काली मंदिर जा करके काले तिल के लड्डू बना करके माता को उनका भोग लगा करके वहाँ भक्तों में वितरण करें। इस प्रकार उपाय करने से शनि देव का प्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा। यदि आप श्री हनुमान जी के भक्त हैं, यदि आप हनुमान भक्त हैं, हनुमान जी की आप उपासना करते हैं, तो निश्चित रूप से शनि देव का कुप्रभाव आपको छू भी नहीं पाएगा। मैं कामना करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।